मेन कैसा है कि जब कोई भी कंपनी होता है ठीक है, तो डायरेक्टली कोई कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाहता। देखो सिचुएशन कैसा है, किसी को भी अगर बिजनेस करना हो ना, तो बिजनेस करने के लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर मान लो किसी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब क्वेश्चन ये कि अलग अलग ऑप्शंस में क्या क्या है, तो देखो लोग चाहे तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी कंसर्न स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोग चाहे तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लो पार्टनरशिप में भी उनको लगा कि भाई सही नहीं चल रहा है, या और आगे कुछ बढ़ाना है या और कुछ बेनिफिट लेना है, तो एलएलपी स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, ये नया अभी आया था हाल ही में। और या तो एक हम ये सोच सकते हैं कि भाई अगर और आगे बढ़ना है तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी। मतलब कैसा है कि एक स्टेज वाइज चलता है, कि लोग डायरेक्टली ऐसी बड़ी कंपनी स्टार्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो ये जितने भी ये चीजें हैं ना, इन सभी के लिए अलग अलग एक्ट बना है। जैसे कंपनी के लिए जो एक्ट है वो है, अभी राइट नाउ जो चल रहा है वो है कंपनी एक्ट 2013। अभी राइट नाउ कौन सा एक्ट चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013। और इसके पहले जो एक्ट था, यानी कि इसके पहले जो हम लोग एक्ट फॉलो करते थे हमारे कंट्री में, ये प्रीवियसली वो था कंपनीज एक्ट 1956। ये हम पहले फॉलो करते थे, और अभी हम फॉलो करते हैं कंपनी एक्ट 2013। और उसी तरह से एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट बना था, एलएलपी एक्ट 2008, ये एक्ट बना था 2008 में। एलएलपी का ये नया कंसेप्ट आया था कि पार्टनरशिप और कंपनी का दोनों का मिक्सचर था ये। ओके, उसके बाद हम लोग को तो पता कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोग 12th में पढ़ते ही थे ये। तो पार्टनरशिप के लिए भी एक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो बेसिकली जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो हमें पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। यानी जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, वो हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो फोकस हम किस पे करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 पे करते हैं। तो यहाँ पे समझो, अभी सबसे पहले अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में तुम लोग को बताना शुरू करूँ, तो उसके पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि कोई भी एक्ट किसी भी कंट्री में कैसे बनता है। जैसे हमारी हम अपनी ही बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में कोई भी एक्ट नॉर्मली कैसे बनता है, जो भी एक्ट्स बनते देखा होगा तुमने पहले, पता चलता है कि बहुत लोग पहले डिस्कशन किए, फिर ये लोकसभा राज्यसभा में या हंगामा हुआ, फिर 1-2 साल लगा, फिर हंगामा हुआ, फिर कुछ महीने लगे, उसके बाद एक्ट बना। तो ये सिचुएशन देखो कैसा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ। ठीक है, मैप थोड़ा मेरा ठीक है, तुम भावनाओं को समझ जाओ कि ये इंडिया का मैप है। ओके, अब इसमें देखो सिचुएशन कैसा है कि जैसे ये हमारी इंडिया है, और हमें पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 130 करोड़ है। ठीक है, अभी तो शायद इससे भी ज्यादा होगा, तो 130+ करोड़ पॉपुलेशन है। अब सिचुएशन ये है कि अगर 130+ करोड़ पॉपुलेशन है, तो कोई भी एक्ट बनाना होगा, तुम्हें पता है एक्ट फॉलो किसको करना है, तो फॉलो तो करना है बेसिकली हमारे लोगों को ही। तो एक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी 130 करोड़ लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे तुमने देखा है कि देश में अगर कोई भी काम होता है किसी भी जगह पर, यहाँ पे यहाँ तक कि घर में भी अगर कोई काम होता है, तो घर वाले भी क्या करते हैं, सबसे एक बार पूछ लेते हैं भाई कि ये करे कि नहीं करे, या ये सबको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो ये तो एक कंट्री की बात है, तो कंट्री में भी जब एक्ट बनना होता है तो वहां पे काफी लोगों से हमें पूछना पड़ सकता है। तो 130 करोड़ लोगों से अब हम जा के तो पूछ नहीं सकते, ये तो एक्ट बनने के चक्कर में दूसरा सदी आ जाएगा और एक्ट बनेगा नहीं। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये 130 करोड़ को ना चूज करके हम क्या करते हैं, उसके बदले हम कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, ठीक है, ये सिलेक्टेड लोगों को ये काम देते हैं। क्या काम देते हैं, कि वो हमारे बदले में ये सारा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जो भी एक्ट बनता है उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कि हम लोग ये कैसे लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली रेंडमली किसी को सिलेक्ट कर देंगे, तो उसके लिए हमारे देश में एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर का नाम है इलेक्शंस। हम लोग क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे राइट नाउ अभी देखो हमने नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया है, तो जो भी डिसीजंस लेना होता है देश से जुड़ा हुआ, वो डिसीजंस लेने में वो आगे रहते हैं। तो 130 करोड़ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, तब जाके वो डिसीजन ले रहे हैं। और जो भी वो डिसीजन लेते हैं, वो इसका मतलब यही माना जाता है कि वो डिसीजन हम सबने मिलकर लिया, राइट।
तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शंस होता है, और इलेक्शंस होने के बाद नॉर्मली सबसे पहले हम जो सिलेक्ट करते हैं वो होते हैं एमपी, इसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब सिचुएशन समझो, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेसिकली ये जाते कहाँ, ये बैठते हैं लोकसभा में. कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं, दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है. तो ये लोग कहाँ पे जाकर बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, जिसको हम लोग है ना, एक और नाम है जिसका, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस. इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोअर हाउस भी बोलते हैं. अब सिचुएशन देखो क्या है कि ये जो लोकसभा वाले होते हैं ना, ये लोग ही कुछ लोगों को और भी सिलेक्ट करते हैं, जिनका जो लोग जाकर बैठते हैं राज्यसभा में, जिसको मनोनीत बोलते हैं, कि मनोनीत सदस्य है राज्यसभा के, तो ये लोग वहां पे जाके बैठते हैं. यानी दो टीम बन गई, अब एक टीम बन गई है लोकसभा की और एक टीम बन गई है राज्यसभा की, और ये राज्यसभा का एक दूसरा नाम है अपर हाउस. राज्यसभा का एक दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस. अब यहाँ पे समझो, और ये जो राज्यसभा होती है यहाँ पर होते हैं एमएलए. क्या होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या होता है कि ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये प्रोपोर्शनली इलेक्ट किए जाते हैं. ऐसा नहीं कि रेंडमली सबको चूज कर लिया, नहीं, जितने ये एमपीज होते हैं उनके प्रपोर्शन में ये सिलेक्ट होते हैं. ये सिलेक्ट होने के बाद अब देखो सिचुएशन क्या होगा कि जब भी कोई कंट्री में बिल बनता है तो क्या होगा कि सबसे पहले जाएगा लोकसभा में, ठीक है. लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा, वहां पे जाएगा राज्यसभा में. तो दोनों जगह डिस्कशन होता है. तो यहाँ पे दोनों जगह डिस्कशन होने के बाद जब दोनों जगह सहमति मिल जाती है तो उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के बाद. फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको कंफर्मेशन कर देते कि भाई ये चलो ठीक है मंजूर है. यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपना क्या देते हैं, असेंट देते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वो बोलते हैं हामी भर देते हैं अपना, कि हाँ ठीक है भाई ये पास कर सकते हो, यानी हाँ बोल देते हैं, और वो अपना क्या कर देंगे, साइन कर देंगे. और जैसे ही प्रेसिडेंट उस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं वो बन जाता है कंफर्मिंग बिल, ठीक है. वो क्या बन जाएगा, वो जो बिल होता है वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा. बात समझ में आया? यानी कि सबसे पहले क्या होता है हमारे कंट्री में, कोई भी लॉ बनने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ जाते हैं, हमारी ये जो दोनों सभाएं होती है लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे जाके डिस्कशन होता है. फिर यहाँ से पास होने के बाद, यहाँ से पास होने के बाद जाती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट उस चीज को असेंट करता है, नहीं हाँ या ना जो भी होगा वो अपना बोलते हैं, उनको जैसा सही लगेगा. अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो वो जो बिल होता है वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाता है. तो इस तरह से हमारे कंट्री में कोई भी लॉ बनता है नॉर्मली. ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया क्योंकि हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि बिल कैसे बनता है, बेसिकली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जानना है हम लोग को. तो इतना क्लियर है सभी को? देखो अब हमारा जो कंपनी एक्ट है उसका हिस्ट्री देखो कैसा है. हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ते हैं कंपनी 2013, बट फैक्ट नहीं है कि 2013 ही एक्ट है, इसके पहले भी बहुत सारे एक्ट बने हैं एज पर द सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का बताता हूँ कि कैसे सिचुएशन हुआ था. देखो हम सबको पता है कि इंडिया में जो कंपनीज है वो स्टार्ट कब हुआ था, इंडिया में कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग जो हुआ था वो हुआ था 1600 में. और ये जो कंपनी है 1600 में ये स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. किसने स्टार्ट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. अंग्रेज लोग आए थे और उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये जो कंपनी था ये स्टार्ट किया गया था बाय रॉयल चार्टर के द्वारा. एक कंपनी थी उनका नाम था रॉयल चार्टर, इन लोगों ने ये स्टार्ट किया था. कब स्टार्ट किया था? पहली कंपनी बनी थी सन 1600, यानी 1600 में फर्स्ट कंपनी इंडिया में बनी थी. और उसके बाद जब कंपनी बन गया था फिर अभी क्या ऐसा कंपनी को फॉलो करने के लिए, यानी कंपनी को के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं. तो हम लोगों ने क्या किया, एक लॉ बनाया और जिसका नाम रखा गया जॉइंट स्टॉक कंपनी. सबसे पहले कौन सा लॉ बना था? जॉइंट स्टॉक कंपनीज. और ये बना था 1850 में. देखो पहली कंपनी बनी थी 1600 में, लेकिन कितने टाइम के बाद जाके हमारा जो पहला लॉ आया था वो आया था 1850 में. और ये भी कहां से आया था? ये भी बेस्ड था बेसिकली, हम लोगों ने खुद का कुछ नहीं बनाया था, ये किस पे बेस्ड था? इंग्लिश लॉ पे, बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनी एक्ट 1854. ये जो 1850 में जॉइंट स्टॉक कंपनी बना था ये बेसिकली बेस किस पर था? ये बेस था कंपनी एक्ट 1854 पे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वर्क चलता रहा. उसके बाद इन लोगों ने बनाया लिमिटेड लाइबिलिटी का.
उसके बाद एक और एक्ट बनाया, लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे जैसे वर्क आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इनको लगा कि सिचुएशन सभी भाई हमारे कंट्री में बेटर होती जा रही है, हमें और लॉ की जरूरत है। तो बाद में एक बना लिमिटेड लाइबिलिटी का, और ये एक्ट बना था 1857 में। पहला एक्ट कब बना था? 1850 में। उसके बाद सेकेंड एक्ट कब बना था? सेकेंड एक्ट बना था 1857 में, राइट। यानी 7 साल के अंदर 2 एक्ट बन चुके थे, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग में चेंजेस आते हैं तो लॉ में भी चेंजेस लाना पड़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी काम होते गया, काम बढ़ते गए यहाँ पे, तो फिर हमें एक जरूरत पड़ गई ज्यादा डिटेल की, ठीक है। तो कंप्रेहेंसिव मतलब और डिटेल की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो कंप्रेहेंसिव इनेक्टमेंट हुआ था फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन, मीन्स क्या है, अब डिटेल की जरूरत थी थोड़ा। तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा और डिटेल में कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एक और एक्ट बनाया था, और ये एक्ट बनाया था 1866 में। ओके, 1857 में लिमिटेड लाइबिलिटी बनाया था, उसके बाद उन लोगों ने 1866 में बनाया था, और इसको बीच बीच में अमेंड भी करते रहे। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें बीच में कोई सुधार करना, तो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। और अमेंडमेंट कब हुआ था इसका? 1882 में। ओके, तो इतना सिचुएशन समझो अभी कि कंपनी यहाँ पे कंपनी एक्ट डायरेक्टली नहीं बना था। स्टार्टिंग में कैसे बना था, पहले बना था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने से भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1600 में, और वो भी किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था बाय द रॉयल चार्टर ने। उसके बाद जब 1850 आया तो फर्स्ट लॉ बना हम लोगों का, और वो भी बेस्ड था इंग्लिश लॉ पे, 1844 पे। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी बना, ये कब बना था, 1857 पे। फिर और डिटेल में काम करने के लिए इन लोगों ने एक और एक्ट बनाया, वो बनाया 1866 में, और जिसके अंदर थोड़े से कुछ सुधार के इन लोगों ने, उनको लगा भाई कुछ जरूरत है, तो अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट कब किया था, 1882 में। उसके बाद यहाँ पे फिर धीरे धीरे, अब देखो अब उसके बाद सिचुएशन हो गई, देखो 19वीं शताब्दी आ गई थी, ठीक है, यानी 1900 स्टार्ट हो गया था। और तुम्हें पता 1900 के बाद इंडिया में बहुत सारी कंपनीज की एस्टेब्लिश होने लगा था, जैसे ये जो रतन टाटा के जो पूर्वज थे, नहीं जमशेद टाटा जी, उन्होंने फिर धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट किया था 1902 में। हम जो जानते हैं कि इन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी रतन टाटा ने सबसे पहले। तो अब सिचुएशन क्या था, अब कंपनी और बढ़ने लगी थी, तब उसके बाद हमारे इंडिया में जाके पहला कंपनी एक्ट बना था, इंडियन कंपनीज एक्ट, और इस तरह से कुछ तो हमारा बना, और ये बना था 1913 में। लेकिन बेसिकली ये भी किस पर बेस्ड था, इंग्लिश पर, तो बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनी एक्ट 1900 एक्ट। तो बेसिकली ये भी किस पर बेस्ड था, इंग्लिश एक्ट पर बेस्ड था, बट हमने कुछ तो अपना बनाया कि चलो ठीक है हमारे लिए भी भाई एक अलग से लॉ बना। और वो लॉ कब बना था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में ये बना था। उसके बाद सिचुएशन क्या हुआ कि हमारे देश को आजादी मिली, तो आजादी मिलने के बाद जब फिर से जब सब कुछ सही होना, 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 1948 में हम लोग का संविधान बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे और वर्क होते गया, तब धीरे धीरे कैसा वो सिचुएशन बदला। फिर यहाँ पे लोगों ने क्या किया, एक डेट आई यानी 25 अक्टूबर 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन लोग को लगा कि हमें अभी और अमेंडमेंट की जरूरत है। क्यों अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि 1930 था, ये सिचुएशन अलग थी, और ये इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन अलग थी। अब हम लोग अकेले हो गए थे, अब हमें क्या करना था, प्रोग्रेस करना था, तो प्रोग्रेस करने के लिए हमें जरूरत है कंपनीज की, और कंपनीज को क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलाना पड़ता है, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन में भी चेंजेस करना कंपलसरी था। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कमिटी बनाई, राइट। उन लोगों ने एक कमिटी को अपॉइंट किया, तो अपॉइंटेड अ कमिटी, और इस कमिटी को काम दिया कि भाई तुम लोग जाके चेक करो कि क्या सिचुएशन है। और ये कमिटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप, और इस कंपनी के जो हेड थे, यानी जो इस ये जो कमिटी थी इसके जो हेड थे वो थे सीबी भाभा। इनका नाम क्या था, सीबी भाभा, ये इस चेयरमैन कमिटी के, मतलब ये सॉरी इस कमिटी के ये हेड थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो 1913 वाला ये जो कंपनीज एक्ट था, इसको डिटेल में स्टडी किया, और डिटेल में स्टडी करने के बाद इनको ऐसा रियलाइज हुआ कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ कहते हैं ना, सुधार की जरूरत है, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने कुछ चेंजेस बताए, किसमें चेंजेस बताए थे, ये जो 1913 वाला था इसमें इन लोगों ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किया। तो क्या चेंजेस सजेस्ट किया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ।
सुटेबल चेंजेस थे, और वो सुटेबल चेंजेस था सबसे पहले था कि भाई डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, हमें फोकस करना होगा कि ऐसे लॉज बनाने होंगे जिसका बेनिफिट हो कि इंडिया में और भी ज्यादा ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो. ओके, तो ये उन लोगों ने सजेशन दिया और अपनी रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट 1952 को सबमिट कर दिया था, 1952 मार्च में सबमिट कर दिया था. और ये जब रिपोर्ट इन लोगों ने सबमिट किया था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, स्टडी किया, और फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में एक नया कंपनी एक्ट बना दिया, और वहां से बना हमारा कंपनीज एक्ट 1956. और ये उस टाइम पे बना था हमारा एक्ट 1956. इट मींस कि हम लोग यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया था, और यहाँ पे लगभग 250 साल तक हम लोगों ने चीजों को फेस किया. फिर हमें पता चला कि भाई हमें और भी जरूरत है, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग सोचना होगा. तो ये था 1956 का कंपनीज एक्ट. अब इस कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने इंक्लूड किया था, वो देखो यहाँ पे. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा. अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो वहां पे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन काम आती है. ये जो हमारा कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, इसके अंदर कुछ पार्ट्स थे. ये पूरा एक एक्ट डिवाइडेड था. तो कैसे डिवाइडेड था, इसके अंदर टोटल 13 पार्ट्स थे. इसके अंदर कितने थे टोटल, 13 पार्ट्स थे और 658 सेक्शंस थे. एक्ट काफी बड़ा था, काफी डिटेल में था. तो इसमें टोटल 13 पार्ट्स थे, 658 सेक्शंस थे और इसके अंदर 15 शेड्यूल थे. और इतना डिटेल में ये एक्ट बना हुआ था. और ये एक्ट अप्लाई कब हुआ था, 1956 में इन लोगों ने अप्लाई किया था. लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहा, कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ था. लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग 2013 तक पहुंचे, यानी 2000 के बाद पहुंचे, तो हम लोग को रियलाइज हुआ भाई अब 50 साल के ऊपर हो गया है और अब सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया. क्योंकि 1956 और 2013, चलो मैं 2010 की भी बात करूं अगर, तो 56 में सिचुएशन कुछ और था और अभी 2010 की सिचुएशन कुछ और थी. तो ये 1956 वाला जो था वो हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, पुरानी सोच को हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसी वजह से 2013 में वापस डिस्कशन हुआ और इसमें वही सिचुएशन हुआ कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हुआ, फिर वापस एक्ट बना. तो इसके लिए 2013 वाला जो एक्ट था वो कैसे इसका प्रोसीजर हुआ था वो देखो. सबसे पहले जो बिल था 2012 में, ये पास हुआ था, पास बाय लोकसभा. सबसे पहले 2012 में बिल पास हुआ था लोकसभा में, और ये पास हुआ था ऑन 18th December. यानी कि 18 December 2012 में लोकसभा में ये बिल पास हो गया था जो कंपनी 2013 का इन लोगों को बनाना था. फिर उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद भी हमें क्या करना था, राज्यसभा में भी पास करना था. तो ये बिल उसके बाद गया राज्यसभा में, क्योंकि दोनों जगह से परमिशन लेना जरूरी है. फिर ये बिल राज्यसभा में गया और वहां पे 2013 में ये पास हुआ. एग्जैक्टली डेट नहीं है, अगस्त 2013 में ये पास हुआ था. और फिर बाद में, तो अभी मैंने क्या बताया था कि लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पास होता है. उसके बाद जो बिल होता है हमारा वो कहाँ जाता है, हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है. फिर प्रेसिडेंट ने अपनी क्या किया, इसको एसेंट देते, यानी कंफर्मेशन कर देते हैं. तो प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, और ये एसेंट कब दिया था, अगस्त 2013 में. इट मींस अगर ध्यान से देखो, तो जैसे बिल पास हुआ था वैसे उनके पास चला गया, और वहां पे ये उन्होंने अपनी एसेंट भी दे दी, भाई कंफर्मेशन कर दिया यू कैन पास. और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्या हो गया, नोटिफाइड हो गया. क्योंकि देखो कोई भी एक्ट जब बनता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में आता है या कहीं लोगों को जाके वो कान में बताएंगे भाई एक्ट पास हो गया. वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है वहां पे उसको अपलोड कर देते हैं. तो जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो कॉलेज का डिटेल होता है या कोई भी एडमिशन का डिटेल होता है, तो वो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी वेबसाइट पे नोटिफाई कर देंगे वो लोग. तो सेम उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, पास करने के बाद इसको नोटिफाई कर दिया. और ये नोटिफाई कब किया, अगस्त 30, 2013, ये इस दिन नोटिफाई किया था. और जिस दिन गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया, उस दिन से बन गया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013.
और ये इस तरह से हम लोग का जो कंपनीज एक्ट 2013 था वो स्टार्ट हो गया। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013 था इसके अंदर भी कुछ चीजें इंक्लूड थी, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया था, लेकिन ये थोड़ा प्रोग्रेसिव था। कैसे प्रोग्रेसिव था मैं अभी वो समझाता हूँ। इसके अंदर भी जो कुछ चीजें थी वो कैसे थी, इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने 29 चैप्टर्स बनाए थे और 470 सेक्शंस बनाए थे, और उसके बाद 7 शेड्यूल्स थे। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला जो हमारा था पॉइंट, यानी जो हमारा 1956 वाला था, 1956 वाले में यहाँ पे देखो 658 सेक्शंस थे, और बाद में हम लोगों ने डिक्रीज करके कितना कर दिया, 476 कर दिया। इट मींस हम लोग को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा तो कुछ चीजों को हमने मर्ज कर दिया, देखो कैंसल नहीं किया, कुछ चीजों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कुछ चीजों को भाई हमने हम हटा दिया, रिमूव ही कर दिया जैसा हमें सिचुएशन लगा। और उसके बाद शेड्यूल्स में भी देखो यहाँ पे डिक्रीज हो गया था, पहले 15 शेड्यूल्स थे और अभी कितने शेड्यूल्स हैं, सिर्फ 7 शेड्यूल्स हैं। यानी एज पर द टाइम जैसा गवर्नमेंट को लगा कि इस चीज की जरूरत है या ये किसी और के भी अंडर आ सकता है, तो उन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर चेंजेस कर दिया। फिर जब ये लॉ बन गया तो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ये याद रखना कि जो भी इंडिया में लॉ पास होता है राइट ना, वो पूरे ऑल इंडिया पर अप्लाई होता है, कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं बोल सकता कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 1956 से ज्यादा अच्छा क्यों था, क्योंकि कैसा था कि बेसिकली ये जो एक्ट था वो सभी कंपनीज पर अप्लाई होता है, जो भी कंपनीज मतलब इस एक्ट के अंडर बनेंगी, ठीक है, चाहे वो 1956 हो, चाहे उसके पहले वाली हो, चाहे 2013 हो। इट मींस जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, यानी स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है उन सभी को ये कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कैसा था, ये प्रोग्रेसिव था, ये एक्ट पिछले एक्ट के मुकाबले थोड़ा कैसा था, प्रोग्रेसिव था और इन फॉरवर्ड लुकिंग था। अब इसका मतलब देखो कैसा है कि जो पहले वाला एक्ट था यानी 1956 वाला, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साथ सब अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कैसा, एक साथ सब अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सेक्शंस और इतने सारे शेड्यूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अप्लाई किया। जब उनको सिचुएशन लगा कि अब वक्त आ गया है अपना ये वाला एक्ट सेक्शन लाने का, तो उन्होंने उस सेक्शन को फिर अप्लाई किया, तो जैसा सिचुएशन था वैसा, दैट्स व्हाई इसको बोला गया कि ये बहुत प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग था। ओके, और इस तरह से गवर्नमेंट ने और भी सारी चीजों पे फोकस किया था, जैसे भी तुम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा सीएसआर, ये कंसेप्ट लेकर आया था, फिर डिस्क्लोजर्स का कंसेप्ट लेकर आया था कि भाई सभी कंपनीज को अपना डिटेल जो है वो बताना पड़ेगा, वो डिस्क्लोजर्स के बारे में लेकर आया था, ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि सभी कंपनीज को भाई ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, और फिर साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये सबसे अच्छी चीजें थी कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट, ये जो कंपनीज एक्ट था वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, और भी सारी बहुत डिटेल्स में है, बट ये थोड़ा बेसिक्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए। और बाद में धीरे धीरे इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आता है, जैसे कि जो लास्ट चेंजेस आया था इसके अंदर वो आया था 2016 में, उसके बाद 17 में भी थोड़ा चेंज आया था, 2016 में जून में आया था, राइट। तो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, रेटिफाई करते रहते हैं, और उनको जो भी लगता है सिचुएशन की भाई अभी थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है, तो अपने अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत चेंजेस लाते रहते हैं। तो ये था हमारा कंपनीज एक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट कैसे हुआ, उसके पहले की हिस्ट्री क्या है, और हमारे कंट्री में कोई भी लॉ कैसे बनता है। तो अगर अभी इसमें कोई भी डाउट है तो तुम बोल सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे चीजें ड्रॉ किया है, ऐसा हो तो इसको तुम अपने बुक में ड्रॉ कर लेना, वो तुम्हारे लिए बेटर होगा, जो हमारे पूरे बुक में पैराग्राफ में लिखा है यहाँ पे मैंने चार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो भी हमने इसके पहले देखा वो सिर्फ था कंपनी एक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बारे में। अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया कंपनी का, तो बेसिकली कंपनी क्या होती है अब वो समझना है। तो बेसिकली जो कंपनी है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखो कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये क्या है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या, बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, विथ डिस्टिंक्ट नेम, कुछ अलग नाम होता है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, कंपनी अनंत काल तक चलती है, जब तक कंपनी एज पर द लॉ अगर कोई सिचुएशन भाई नेगेटिव हो जाए, कंपनी को बंद करना पड़े, बाय द गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, तो अलग बात है, अदरवाइज इसका जो टाइम लिमिट होता है क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 100-100 डेढ़ साल से चल रही हैं, ठीक है, जैसे रतन टाटा जी जो कंपनी चला रहे हैं, जमशेद उन्होंने स्टार्ट किया था, जमशेद टाटा ने वो 1900 में स्टार्ट किया था, 100 साल के ऊपर हो गया है, राइट। तो हमारे कंट्रीज में
ये कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो 100+ ईयर्स की हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कंपनी बेसिकली क्या है, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिस्टिंक्ट नेम हैविंग परपेचुअल सक्सेशन इन विच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और कोई भी कंपनी जो है वो कैसे स्टेब्लिश होता है, हम क्या करते हैं लोगों से पैसे मांगते हैं। सो बेसिकली इट इज नोन एज अ कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, और जो लोग इस कंपनी में पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन था। अभी देखो यहाँ पे कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में इसका डेफिनेशन दिया गया है, जो उसका मीनिंग दिया है वो क्या बोला है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। अब यहाँ पे बात को समझो कि कंपनी का मतलब क्या है, कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी चीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुआ, किसके अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुआ, कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। अंडर एनी प्रीवियस लॉ का मतलब जो हमने बहुत सारे लॉज देखे ना कि 1850 में बना, फिर 57 में बना, फिर 82 में, फिर 66 में, सॉरी 66, फिर 82, फिर 1913, फिर 1956, यानी किसी भी प्रीवियस लॉ में अगर तुमने स्टेब्लिशमेंट किया था या तो 2013 में स्टेब्लिशमेंट किया है तो वो बन जाएगा तुम्हारा कंपनी। तो यहाँ पे उसका भी मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे देखो ऐड किया हुआ है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनीज मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड यानी स्टार्ट कर दिया या रजिस्टर कर दिया, कैसे, अंडर दिस एक्ट, कौन से एक्ट, 2013 के अंदर, और या तो दूसरा ऑप्शन है एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। अब एनी प्रीवियस एक्ट का मतलब क्या है, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी 1857 का है, या इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 का है, या इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 का, या इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 का, या तो तुम्हारा कंपनीज एक्ट 1956 का, यानी इन किसी भी लॉ में अगर तुमने स्टार्ट किया है या तो तुमने इस लॉ के अंदर स्टार्ट किया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, कंपनी, राइट। तो ये हम लोगों का डेफिनेशन है कंपनी का, ये यही डेफिनेशन तुम लोग को याद रखना है कि व्हाट इज कंपनी। सो बेसिकली कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट, और प्रीवियस एक्ट का मतलब क्या था, ये पांचों ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर है इतना सभी को?